ना हमने इनसे बात करी और हम चलिए हम उनको अब इनका स्कूल दिखाते हैं आपको कि आखिर बच्चे किस टाइप से क्लासरूम में पढ़ते हैं, इनके साथ तो क्या कुछ ध्यान दिया जाता है, उनकी नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है। तो चलिए हम क्लासरूम भी आपको लेकर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए कौन से क्लास है ये, कौन से? सिक्स है। अच्छा चलिए फिर ठीक है। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? शुभम। अच्छा शुभम नाम हुआ आपका। अच्छा शुभम बताइए अभी किस चीज़ की क्लास चल रही है आपकी? साइंस की क्लास चल रहा है। साइंस की क्लास में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आपको बताया जा रहा है। अच्छा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें, क्या कुछ सीखे आप अभी तक? अभी हम सीखे हैं मतलब फूड हमारे कॉम्प्लिकेट फॉर्म में जाते हैं माउथ में जी। उसके बाद हमारे फूड पाइप से स्टोमक में जाते हैं, स्टोमक में मिक्स होते हैं HCl गैस के द्वारा। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। उसके बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको पूरी नॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्स क्लास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक बच्चे से बात की, यहाँ पे पूछा तो कैसे उन्होंने फ्रैंक होकर बिल्कुल बताया हमें, हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो चलिए यहाँ पे टीचर भी हैं, आप उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोलर सिंह। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आप किस सी क्लास ले रहे हो आप बच्चों की? साइंस। अच्छा साइंस क्लास ले रहे हो। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप किस टाइप से हैंडल करते हैं बच्चों को, आप क्या आपका रहता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आप बच्चों पे? मैं जैसा कि चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को मेंटली प्रेशर ना दिया जाए जी। हम बहुत बारीकी तरह से बच्चों को देखते हैं तो हर तरह से टॉर्चर मतलब होता है ना, जिससे बच्चे को जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर होता है, तुरंत क्या होता है टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, डाउट काउंटर पे हम 9 बजे नाइट तक हम क्या यहीं पे प्रेजेंट होते हैं समझे। इस तरह से बहुत बच्चे को साथ मतलब घुल मिल के हम क्या करते हैं, मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा। और बच्चे को मेंटली प्रेशर हम कभी डालते नहीं, हमेशा फ्री होकर काम, क्योंकि मेंटल प्रेशर डालेंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, उसमें शायद वो ध्यान भी ना दे पाए अपनी पढ़ाई पे। जी अच्छा ये बताइए कि जैसे बच्चे शरारती होते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? अगर बच्चे शरारती करते हैं तो आप भी बच्चे के साथ शरारती कीजिए और क्या मतलब घुल मिल कर रहना। अगर बच्चे को मतलब थोड़ा सा भी मेंटली अगर प्रेशर कीजिएगा तो बच्चे और शरारती करेंगे बिल्कुल और वो बदमाश हो जाएंगे। तो जैसे उनको जैसा कि मेरा मानना है कि मतलब बच्चे के साथ तो आप भी घुल मिल करिए। टीचर जो होते हैं ना मतलब देखिए आप कोई बच्चे से उठा के पूछिए, आपको जो भी जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, देखिए ना आपको देखिए जैसे इसमें हम बताए हैं है ना, देखिए स्टोमक के बारे में बताए हैं, हमारे एनसे 12th तक हम कवर करते हैं, 12th तक से ग्राउंड लेवल से उठाते हैं आप बच्चों को हाई लेवल तक देते हैं, 0 बेसिक लेवल से समझे। कि बच्चों को यहाँ पे ये भी नहीं पता होता कि क्या स्टार्टिंग से आता है, जो भी बच्चा आता है तो हमारे पास जो भी मिलता है उसको ये नहीं पता होता है, लेकिन 0 लेवल से हम देते हैं। और 0 लेवल से ये भी बता बच्चा ये भी बताएगा कि 11th के बुक में पेज नंबर इतना में दिया हुआ है। अच्छा इतने बारीक से आप ध्यान देते हैं, एक एक बच्चों पे ध्यान देते हैं आप लोग, ताकि वो लोग सब कुछ सीख सके। आप कोई भी बच्चा से पूछ सकते हैं समझे। बिल्कुल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं बच्चे को जी, किसी भी बच्चे से पूछिए। अंकुश कहाँ है? अंकुश खड़े बताओ तो। अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ पे एक और बच्चा होनहार बच्चा है यहाँ पे, आइए हम उनसे। आपका नाम अंकुश है? अच्छा अंकुश बताइए कि क्या कुछ सर पढ़ा रहे हैं और क्या कुछ सीखे हैं आप अभी तक? यस मैम बताइए। पहले फूड जब लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद जब अंदर जाता है माउथ में तो लार्ज के साथ मिक्स होता है, उसके बाद फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से नीचे स्टोमेज में जाता है, स्टोमेज में 4 से 5 घंटा रहता है, तो फूड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है स्टोमेज में, उसके बाद उसमें फूड टूटता है अलग अलग फॉर्म में, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाता है लार्ज। अच्छा अंकुश ये बताइएगा कि आपको अभी तक आप स्कूल में हैं तो डिसिप्लिन आपकी कैसी है, क्या कुछ सीखे हैं अभी तक आप, क्या कुछ जाने हैं? बहुत कुछ जाने हैं मैम। हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो हमको इंग्लिश भी नहीं पढ़ना आता था। अच्छा। लेकिन अब यहाँ है तो हमको इंग्लिश भी पढ़ना आ गया, बहुत चीज़ यहाँ सीखे हैं, बहुत कुछ नॉलेज हो गया आपको इस स्कूल में। बिल्कुल हाँ। तो जैसा कि आपने देखा हमने एक बच्चे से बात करी, उन्होंने कैसे बताया कि उनको कुछ भी नहीं पता था, वो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे थे, बट अब बहुत अच्छी खासी नॉलेज। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ डिसिप्लिन के साथ साथ एक एक बच्चों पे ध्यान दिया जाता है ताकि वो डिसिप्लिन सीख सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए यहाँ पर एक और भी क्लासरूम है, हम वहाँ भी जाते हैं और वहाँ बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम नर्सरी क्लास में और यहाँ पे कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम उन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या कुछ आता है, इतने दिन उन्होंने क्या क्या सीखा है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीदी राज। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा A4 क्या होता है बाबू?
अच्छा ए फॉर एप्पल होता है। अच्छा हमें 1 2 बोल कर सिखाइए, बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा बस 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 हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रफ्तार में ये बच्चा बोलता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे एक और भी क्यूट सी बच्ची है, हम उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अच्छा किट्टू। अच्छा आप बताइएगा ए बी सी डी बोलकर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि आपने देखा, वेरी गुड, जैसा कि आपने देखा ये छोटी सी बच्ची कैसे ए बी सी डी को एकदम धड़ल्ले से बोल के बता रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे हैं यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे लोग जो अगर आप भी पेरेंट्स हैं और अच्छी भविष्य की कामना करते हैं अपने बच्चों का, तो स्वास्थ्य की एजुकेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आइए यहाँ पे और भी हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज अमर रश्मि। अच्छा अमर, ये बताइएगा पीरियोडिक टेबल हमें बताइएगा। फर्स्ट में हाइड्रोजन, टू में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आप टेबल कहाँ तक जानते हैं? टेबल ज़्यादा नहीं जानते, 20 तक जानते हैं। अच्छा तो आप, अच्छा ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। अच्छा इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं आप? ओके। अच्छा ये बताइए कि आप अभी तक इस स्कूल में आप क्या कुछ सीखे हैं? मैम जब हम दूसरे स्कूल में जाते थे तो हमको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। ये स्कूल में आना तो हमको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना और थोड़ा सा दूसरे स्कूल में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये स्कूल में ध्यान देने। अच्छा आपके फेवरेट टीचर कौन है यहाँ? सोलर भैया। अच्छा सर आपके फेवरेट टीचर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शालिनी कुमारी। अच्छा शालिनी जी, आप किस किस क्लास के बच्चों को हैंडल करती हैं? 1 to 6 आप बच्चों को देखती हैं। अच्छा तो आप बच्चों को पढ़ाने के क्रम में क्या कुछ ज़्यादा खास तौर पे ध्यान देती हैं बच्चों पे? जो कमी रहती है हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। मीन्स अगर उसमें वर्ड मीनिंग या स्पेलिंग उन लोगों को रीडिंग करना नहीं आता है उस पर, या फिर जो उन लोगों को समझ में नहीं आता है उसमें, जो उन लोग में कमी रहती है उसमें ज़्यादा उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं कि उन लोगों को ध्यान दिया जाए। अच्छा तो ये बताइए कि बच्चे शरारत भी करते हैं तो आप उनको किस तरह से हैंडल करती हैं? समझाना पड़ता है कि स्टिक तो ज़्यादा अलाउ नहीं करना होता है, उनको समझा के ही अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना। अच्छा स्कूल की टाइमिंग क्या होती है? स्कूल की टाइमिंग क्या होती है? स्कूल की टाइमिंग है 8:30 to 2:50। अच्छा 8:30 to 2:50 है स्कूल की टाइमिंग होती है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि स्कूल को लेकर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतने भी दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? दर्शक से तो ये बोलना चाहिए कि अभी तो स्टार्टिंग स्कूल है लेकिन अभी प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी बाकी गार्जियन को भी अपने बच्चों को यहाँ डालना चाहिए कि पढ़ाई तो सर अच्छी हो रही है यहाँ पे लैंग्वेज भी अच्छा है और साइंस लाइब्रेरी की भी फिलहाल तो अभी न्यू है तो नहीं हो रहा लेकिन तैयारी चल रही है साइंस लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ पे। स्मार्ट क्लास सब कुछ है यहाँ पे, स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है, सारा सब कुछ यहाँ पे सुविधा है। हाँ तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे आपको ये स्वास्थ्य स्कूल दिखाया है, यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, क्या कुछ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने, अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों का सोच रहे हैं भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो बिना डरे बिना हिचकिचाए आप एकदम प्राउडली आप इस स्कूल में, स्वास्थ्य स्कूल जो यहाँ का नाम है, आप स्वास्थ्य एजुकेशन में आप बच्चों को भेज सकते हैं और यहाँ पे अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिया जा रहा है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया लिखाया जा रहा है यहाँ पे और उनको डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा है संस्कार के साथ साथ। तो बिना आप हिचकिचाए आप अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज सकते हैं। और अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका यहाँ पे हॉस्टल भी चलता है, आप हॉस्टल में भी अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर आप बहुत दूर दराज रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हॉस्टल भी ये स्कूल प्रोवाइड करता है, वाहन भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे, आप ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, आप दूर दराज है और आप चिंतित हैं कि अपने बच्चों को कैसे भेजा जाए तो स्कूल का खुद का ट्रांसपोर्ट भी है जिससे वो बच्चों को आप यहाँ पे स्कूल में भेज सकते हैं। तो आपसे हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने डायरेक्टर से बात करी, यहाँ के टीचर से बात करी, बच्चों से बात करी और कैसे उन्होंने सब कुछ फ्रैंक वे में बताया हमें कि किस तरह से वो बच्चों पे ध्यान देते हैं, किस तरह से उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं, संस्कार के साथ साथ उन पर क्या कुछ होना चाहिए, विशेष तौर पर एक एक बच्चों पर वो लोग पर्सनली ध्यान देते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो सीखने में। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा भट्ट।